हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं मुकेश और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मेरे पास में एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो कि है भाई आई क्लेवर की तरफ से आने वाला 2.4 GHz का मतलब माउस और यहां पर कीबोर्ड का भाई कॉम्बो जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया है। और इसका हम आपको देने वाले हैं पूरा भाई कम्प्लीटली रिव्यू और प्लस मेरा जो वन वीक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस जो कि मतलब काफ़ी के कॉम्पैक्ट भाई चीज़ है। काफ़ी अगर आपका जो बजट है वो करीब 2 से 2300 के बीच में है, मतलब 2000 के बीच में भी है, तो आप 2500 का मतलब आराम से आप लगा सकते हो। लेकिन भाई मैंने जो देखा है इस कीबोर्ड के अंदर भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये विंडो मैक सभी के लिए है भाई साहब। इसका जो वायरलेस कीबोर्ड और माउस दोनों कॉम्बो पैक है, प्लस इसके अंदर हमें मतलब एक 2.4 GHz का हमें प्लग एंड प्ले का एडाप्टर भी देखने को मिलता है और केबल देखने को मिलती है। अब इसका करते हैं हम रिव्यू और इसका अनबॉक्सिंग। काफ़ी प्यारा कीबोर्ड माउस का कॉम्बिनेशन है, वायरलेस चीज़ें हैं, काफ़ी एक फुल साइज़ कीबोर्ड है। और चलो इसका हम आपको दिखाते हैं वीडियो जो कि भाई हम आपको मैन कैमरे से दिखाते हैं। तो चलो भाई इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है भाई साहब अपना 2.4 GHz कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो जो कि आई क्लेवर का ZK08 यहाँ पर ये कीबोर्ड और माउस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ से भी आराम से हमें इसको कर लेते हैं अनपैक और इसके अंदर हमें एक केबल और एडेप्टर भी देखने को मिलता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट और फुल साइज़ कीबोर्ड है भाई। आप इसको देखोगे तो भाई काफ़ी प्यारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। ये एक फुल साइज़ कीबोर्ड और जो कि आप मतलब काफ़ी मतलब साइज़ के हिसाब से बैटरी चार्जिंग है, मतलब 90 दिनों मतलब 3 महीने तक आपको चार्ज करना ही नहीं पड़ेगा। बस एक बार इसको चार्ज करो और बस भाई काफ़ी कमाल चीज़ है। ये इसके अंदर हमें माउस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी यार छोटा सा छुटकू सा माउस है। प्लस इसका जो मतलब इसके अंदर हमें एक एडाप्टर भी देखने को मिलता है, ऑन ऑफ यहीं से हो जाता है। और इसको भी हम रखते हैं साइड में। बॉक्स में केबल देखने को मिलेगा अंदर, इस बॉक्स को हम रखते हैं साइड में। ये है भाई साहब काफ़ी एक छुटकू सा चिकलेट कीबोर्ड। बिल्कुल आप पास से देखो कीबोर्ड का जो की है मतलब काफ़ी कम है, आराम से यार मतलब एकदम प्रेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंडो के लिए, मैक के लिए बिल्कुल एकदम कोई भी यहाँ पर एकदम फुल साइज़ कीबोर्ड है जो कि काफ़ी प्यारा दिखने में हमें लग रहा है। और प्लस इसके अंदर अगर हम इसकी जो मेटालिक फिनिश है जो भी काफ़ी मतलब ठीक ठाक है। और इसके अंदर हमें ये देखते हैं हमें 5 LED देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग हैं, आई क्लेवर की यहाँ पर ब्रांडिंग है। प्लस मैं अगर इसके बैक की बात करूँ तो ये एक पूरा कंपार्टमेंट है, यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगा पूरा एकदम बैटरी का कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। और इसका जो आई क्लेवर का आप देख सकते हैं कि जो वर्जियन है जो इस कीबोर्ड का 2.5 GHz का, एक लाइट वेट और प्लस काफ़ी कॉम्पैक्ट सा कीबोर्ड है। मैं बात करूंगा इस माउस की, ये भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसके अंदर कोई भी नॉइस वगैरह देखने को हमें नहीं मिलती है। और भाई काफ़ी प्यारा है यार, मतलब अगर एक बार अगर आप इसको बाय करोगे तो यार मतलब काफ़ी कमाल सा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मैंने करीब 1 हफ्ते पहले इसको चार्ज किया था, अभी तक मैंने इसका चार्ज नहीं किया और अभी भी ये बस फुल ही है और इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आई क्लेवर यार एक मतलब कीबोर्ड माउस के मामले में यार काफ़ी अच्छा ब्रांड है। और इसके अंदर हमें एक ये एडाप्टर भी देखने को मिल जाएगा जो कि मैंने अभी लैपटॉप में जस्ट लगाया हुआ है। और ये एक छुटकू सा एडाप्टर है भाई, और ये देख लो एडाप्टर आई क्लेवर भाई लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये एडाप्टर है छोटा सा जो कि हमें माउस के अंदर देखने को मिलने वाला। बस इसका हमें प्लग करना है और अपने कीबोर्ड को एकदम खतरनाक तरीके से मतलब यूज़ करना है। काफ़ी आराम से कोई भी यहाँ पर नॉइज नहीं है, एकदम देख सकते हैं काफ़ी प्यारा है यार, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और इसके अंदर कुछ अलग से भी फुल चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे कि कैलकुलेटर है, ये बिल्कुल आप ओपन
कर सकते हो ये, मतलब यार मतलब कुछ है ही नहीं कीबोर्ड के अंदर, मतलब फिनिशिंग है देखने में काफ़ी बढ़िया है, काम भी बड़े प्यारे तरीके से मक्खन तरीके से करता है ये, कोई भी प्रॉब्लम इस कीबोर्ड के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, जो कि यार मतलब 2300-2400 में आपको देखने को मिलेगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सीधे चेक कर सकते हो। अरे भाई मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि यहाँ से जब मैं इसको रखता हूँ तो ये मतलब ये इसका पैड सा आ जाता है यहाँ से, तो इससे क्या होता है कि इसको जो ग्रिप बन जाती है, मतलब यहाँ से मतलब आराम से आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम प्यारा सा कीबोर्ड है। और यही एक कंप्लीट छोटी सी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर ही सकते हैं, और हमें मिलने वाला किसी और इंटरेस्टिंग गैजेट के साथ में। तो गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।